हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर टेक कंज्यूमर में। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, कल AMD का इवेंट था एंड वहां पे उन्होंने राइजन की जो 5000 सीरीज है वो लॉन्च कर दी है। एंड मैंने इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम भी करी थी अपने चैनल पे, तो काफ़ी सारे लोगों ने शायद वो मिस कर दिया, कुछ ही लोग ज्वाइन कर पाए थे, शायद सबके पास नोटिफिकेशन वगैरह नहीं गया। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं सीरीज़ के बारे में, क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्राइसिंग है, इंडिया में कब अवेलेबल हो जाएंगे एंड किस तरह के सारे परफॉर्मेंस वगैरह हमें मिलने वाली है अदर कंपैरिजन में। एंड इवेंट में क्या हुआ तो मैं आपको शॉर्ट में सब समझाने वाला हूँ थोड़े से टाइम में। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, बट सबसे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो Zen 2 से Zen 3 आर्किटेक्चर पे जंप हुआ है उस पर हमको 19% IPC देखने को मिला है। एंड IPC क्या, मैं उस पर डी पे बात नहीं करूँगा, बट मान के चलो कि परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है हमें Zen 3 आर्किटेक्चर में, क्योंकि तो काफ़ी एक अच्छी बात है एंड मैं भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी लुकआउट कर रहा था इस चीज़ पे लेके। अब इससे हुआ क्या है, जो क्या नाम है, पहले लेटेंसी वगैरह हमें देखने को मिलती थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है Zen 2 के मुकाबले Zen 3 में। तो Zen 3 में जो लेटेंसी इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिटेक्टिव हो गए हैं एंड आपको 2 गुना L3 कैश देखने को मिली है इस बार की इन Ryzen 5000 सीरीज के CPUs में। एंड गाइस, ऐसा भी यहाँ पे इवेंट में देखने को मिला कि AMD जो बोला था कि ये भाई Intel से 2.9x ज़्यादा फास्टर है, मतलब ऑलमोस्ट 3 times ज़्यादा फास्टर Intel से, तो भाई Intel की तो लग गई इस बार की, मतलब आगे बताने वाला हूँ कि Intel की और कैसे लगी है। एंड जो भी Intel फैन बॉयज हैं उनकी भाई जलने वाली इस बार की। एंड गाइस, इस बार की इवेंट में जो इनका टॉप प्रोसेसर निकला है वो Ryzen 95950X है, या 5950X आप बोल सकते हैं उसको, क्योंकि 16 कोर 32 थ्रेड का प्रोसेसर है। एंड गाइस, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मतलब मैसिव इनसेन है, उसमें 72 MB की L3 कैश एंड उसको आप 4.9 GHz तक बूस्ट कर सकते हैं। एंड ये अभी तक का सबसे टॉप मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस वाला जो है, या गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन जो भी आप कह लो, दोनों टाइप के परफॉर्मेंस का सबसे टॉप CPU है Intel 10900 के भी इससे पीछे हो गया है, अब उसकी इसके सामने कोई औकात नहीं है। तो गाइज, ये हमारा नया किंग जो है वो यही है 5950X। अब गाइज, अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आप ऐसे सुनो कि इन्होंने Cinebench का स्कोर करके दिखाया, जो कि 5950X का Cinebench स्कोर था 640 एंड जो क्या नाम है आपका 10900K का Cinebench स्कोर था वो 544। तो मतलब एक काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो मैसिव लीप हमको यहाँ देखने को मिल रहा है एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी मतलब बहुत ज़्यादा हाई है इस प्रोसेसर की। तो जैसा कि आप समझ रहे ना कि अब AMD जो है हर तरीके से उसने Intel को पछाड़ दिया, जो बेचारा इतने सालों से पीछे रह रहा था Intel से, अब उसने हर तरीके से पछाड़ दिया। अभी तक Intel के पास एक था ना कि वो गेमिंग क्राउन बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस CPUs बोलते थे, इस बार की उनसे वो भी चला गया हाथ से। तो भाई Intel की तो गई, मतलब मुझे नहीं लगता कि Intel अभी कुछ कर सकता हाल के 2-3 साल तक, उसके पास स्लीव्स में कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ 5950X की इन कंपेरिजन टू 10900K में, तो गाइस जो भी रेटिंग में परफॉर्मेंस देखने को मिली है Adobe Premiere Pro में, वो हमको 13% का जंप है। ये आप समझ रहे हो किसका जंप है, वो ज़्यादा है 30% 1550X में। सेम गोस फॉर रेंडरिंग में भी 59% का जंप है, CAD जो CAD का वर्क होता है उसमें भी 6% का जंप है एंड कंपाइलिंग टाइम में भी 14% का जंप है। तो मतलब आप समझ रहे हो कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग दोनों में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया Intel से, जो कि 18 से 20% का जंप भी हमें देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 20% मतलब बहुत ज़्यादा। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि AMD ने ना अपने 5950X को जो है कंपेयर करा काफ़ी बड़े बड़े कंपोनेंट के साथ एंड यहाँ पे उन्होंने RTX 2080 Ti के साथ लगा के उन्होंने गेमिंग परफॉर्मेंस निकाली, जो कि 7 या 8% फास्टर है 10900K से। एंड गाइस, ये तो 2080 Ti था, जब 3080 या फिर 3090 के साथ उसको लगा के पुश करके देखेंगे तो हमें और बड़ा जनरेशन मतलब लीप देखने को मिलेगा इन दोनों प्रोसेसर के बीच में। तो अब मेरा भाई सजेशन है कि अगर किसी को भाई बेस्ट लेना है तो बस अब वो AMD 5950X पे कंसीडर करें, अगर इतना पैसा खर्च करने के लिए आपके पास। एंड जैसा कि मैं बात करूँ, इवेंट में हमको 5900X भी देखने को मिला, Ryzen 9 5900X की बात कर रहा हूँ, वो जो है 26% फास्टर है एंड जो कि था मतलब उन्होंने अपने 3090 वाले प्रोसेसर है उसी से कंपेयर करा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक जनरेशन मतलब गैप है, जनरेशन ह्यूज है, तो दीप कह सकते हो जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं दिखा हमें Ryzen 3 से लेकर Ryzen 5 जो जनरेशन है उस दोनों में।
एंड यहाँ पे इन्होंने जो है बॉर्डरलैंड्स एंड शैडो ऑफ द टूम रेडर दोनों गेम्स के एफपीएस निकाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव इंक्रीज हमें देखने को मिला दोनों गेम्स के एफपीएस में। सो जैसा कि बात करते हैं बाकी जो प्रोसेसर लॉन्च हुए इवेंट में, तो उसमें से था राइजन 5 5600X, राइजन 7 5800X, राइजन 9 5900X एंड जो मैसिव हमारा गेमिंग किंग कह सकते हैं वो है राइजन 9 5950X। अब गाइज मैं इन सारे प्रोसेस की बात करूँ तो जो राइजन 5 एंड राइजन 7 के जो प्रोसेस दोनों लॉन्च हुए हैं वो दोनों पिछले ही जो जनरेशन के परफॉर्मेंस मतलब प्रोसेसर थे उनके ही सेम बूस्ट क्लॉक पे अराउंड लॉन्च हुए, बट इनकी L3 कैश वगैरह बढ़ा दी गई है एंड प्राइस वगैरह मतलब ठीक ठाक है जो कि, बट अभी देखते हैं इंडिया में क्या आता है, क्योंकि राइजन 5 5600X हमको US में जो प्राइस लॉन्च है वो $2900 का $300 का है, राइजन 7 5800X हमको $450 का देखने को मिल रहा है एंड राइजन 9 5900X $550 का देखने को मिल रहा है। अभी यही है कि यार जैसा कि राइजन 5 3600 जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब आपका पॉपुलर हुआ था बजट गेमर्स के बीच में, तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी सारे बजट गेमर जो है राइजन 5 5600X को देखेंगे क्योंकि वो सेम कॉन्फ़िगरेशन का है एंड काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर जैसा कि परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा बजट में सेक्शन निकाल के देगा हमको एंड जो कि टॉप एंड गेमर्स हैं मैं कह सकता हूँ वो राइजन 9 5900X पे जाएंगे। हाँ यहाँ पे राइजन 7 5800X जो है वो मुझे मतलब थोड़ा सा ओवर प्राइस प्रोसेसर लगा, थोड़ा बहुत मुझे कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवर प्राइस प्रोसेसर है क्योंकि मेरे हिसाब से सही चीज़ नहीं है एंड उस पर लोग कंसिडर ना ही करें तो अच्छा है एंड उस पर इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला कि ये सब प्रोसेसर ना आपको 5 नवंबर से अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा कि AMD कह रहा है, बट मुझे पता है स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा मारामारी होगी। अब हम बात करें इनके कंपैटिबिलिटी की, तो गाइस अगर आपके पास B550 या X570 वाले मदरबोर्ड हैं तो उसमें ही राइजन 5 के सारे प्रोसेसर वगैरह चल जाएंगे, तो अगर आपके पास वाला प्रोसेसर मतलब आपके पास वाला प्रोसेसर लेना चाहते हो और वाला मदरबोर्ड है तो आप जंप कर सकते हो आराम से एंड B450 में शायद ही, मुझे लगता नहीं, अगर BIOS अपडेट्स अगर चल सकते हैं चलें वो आगे देखेंगे ब्रांड्स वगैरह का एंड ब्रांड्स काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, MSI ASUS जैसे ब्रांड्स हैं वो नए मदरबोर्ड भी निकालने में लगे हुए हैं तो वो भी लाइनअप में है, जल्दी जल्दी आने वाले हैं मदरबोर्ड्स वगैरह भी हमको देखने को मिलने वाले काफ़ी सारे नए। एंड गाइस AMD ने ना मतलब इवेंट के एंड में ही अपना बिग नावी का एक GPU जो सबसे 6000 सीरीज का जो GPU था वो उसका एक झलक दिखाई है एंड उसका इवेंट 28 अक्टूबर को होने वाला है, तो गाइस उस दिन भी हम स्ट्रीम करेंगे चैनल पे, तो यार आ जाना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हम उस दिन भी लाइव करेंगे एंड बात करेंगे सब टॉपिक्स पे, तो लाइव जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड अब मैं बात करता हूँ कि क्या राइजन 5 आपको किसको लेना चाहिए किसको लेना चाहिए। देखो भाई अगर आप नया पीसी बना रहे हो और आप थोड़ा वेट कर सकते हो, पैसे वगैरह भी हैं, तो राइजन 5 वगैरह मतलब 5000 सीरीज के वगैरह प्रोसेसर वगैरह ले लो। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है और वेट भी नहीं कर सकते हो तो राइजन 3 के साथ चले आओ। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं प्राइस ड्रॉप को, क्योंकि लाइव में भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला कि प्राइस ड्रॉप को, तो गाइज प्राइस ड्रॉप मान के चलो नहीं होगा, मैंने लाइव में बताया था कि प्राइस ड्रॉप क्यों नहीं होगा एंड मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि प्राइस ड्रॉप क्यों नहीं होगा एंड कैसे कैसे अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स की मारामारी होने वाली इस बार की काफ़ी लंबे स्केल पे, क्योंकि PS5 भी आ रहा है एंड इधर पे हमारा Xbox भी रिलीज़ ही हो रहा है उसी टाइम के आसपास, तो स्टॉक्स की मारामारी होने वाली, ऊपर से कोविड चल रहा है तो भी भाई स्टॉक्स वगैरह रॉ मटेरियल वगैरह है नहीं बनाने के लिए कंपनीज के पास, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो रही है कभी। अभी आप सोचो जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसर्स वगैरह हैं उनके स्टॉक्स की मारामारी है, तो ये तो नए आने वाले हैं तो स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा खेल होने वाला है इस बार की। सो गाइस यही छोटा सा रिकैप था AMD के इवेंट का एंड अगर आपने इवेंट मिस कर दिया तो आप जाकर अभी चेक कर सकते हैं, बट आई होप आपके सारे कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए इस इवेंट से रिलेटेड एंड सारे जो प्राइसिंग वगैरह आपको पता लग गई है। अगर अभी आपको कोई डाउट वगैरह है या कोई सवाल है सुझाव तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं सारे के सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना एंड डिसलाइक करते करते भाई यही बताते हैं ना कि वीडियो में क्या कमी थी ताकि मैं वीडियोस को और इंप्रूव कर सकूँ, आपके लिए और बेहतर वीडियोस ला सकूँ तो टाइम टाइम पे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जो वीडियो है अपने दोस्तों से शेयर कर दो, बता दो यार कि इंटेल की लग गई, मतलब लग गए इंटेल के कायदे से, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यार बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक लेटर, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।